हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं रवि सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग वैकेंसी देखेंगे। बायोलॉजी प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड 12th HSC का रिवाइज्ड प्रैक्टिकल पैटर्न और ये भी देखेंगे कि इस साल ओनली फॉर दिस ईयर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को रिड्यूस किया गया है या खाली इस साल के लिए डिलीट किया गया है। यानी कि यू कैन से इस साल इन द सेम लाइन जिस तरह यू कैन सी आपका थियोरी का यू कैन सी 25% पोर्शन या टॉपिक डिलीट किया गया है, उसी तरह प्रैक्टिकल में भी यू कैन सी उसी लाइन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स को डिलीट किया गया है ओनली फॉर द एकेडमिक ईयर 2020 to 2021। तो चलिए, तो पहले रिवाइज प्रैक्टिकल पैटर्न देखेंगे और फिर देखेंगे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं और कौन से एक्सपेरिमेंट को आपको नहीं करना है और प्रैक्टिकल पैटर्न भी क्या है, चेंज है। तो चलिए, तो रिवाइज 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी प्रैक्टिकल पैटर्न जो चेंज हुआ है। ओके, साथ में इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज ए चेंज इन इवैल्यूएशन पैटर्न आल्सो ओनली फॉर दिस एकेडमिक ईयर 2020-21। तो इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंट यू कैन सी कोविड-19 क्राइसिस या सिनेरियो की वजह से। उसका मेन ऑब्जेक्टिव यू कैन सी क्या है, प्रैक्टिकल में जो चेंजेस लाए हैं उसका कैन सी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर यू कैन सी दे आर कंसर्न अबाउट यू कैन सी कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। ओके, स्पेशली प्रैक्टिकल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ यू कैन सी द स्टूडेंट। तो एकेडमिक स्ट्रेस उसकी वजह से आ रहा है क्योंकि कॉलेज जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से प्रैक्टिकल्स भी शुरुआत नहीं हो पा रहा है। दैन टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल्स कॉलेज स्टार्ट होगा, प्रैक्टिकल्स होगा तो उसमें केयर करना है सोशल डिस्टेंसिंग। उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स को क्या है, सिलेक्ट किए गए हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच आर मोर सेफ टू बी कंडक्टेड उनको सिलेक्ट किया गया है। और साथ में सफिशिएंट टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल नोटबुक यू कैन सी मिलेगा स्टूडेंट्स को इसकी वजह से। और ये सब यू कैन सी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किया गया है बिकॉज CBSE दैट इज NCERT ऑल्सो हैज़ यू कैन सी रिड्यूस्ड देयर यू कैन सी प्रैक्टिकल सिलेबस विद द सेम पैटर्न। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यू कैन सी Maharashtra Board also have you can say decided to revise or you can say reduce the you can say practical load. तो चलिए, तो बायोलॉजी कैन सी प्रैक्टिकल सिलेबस पहले देखते हैं। तो उस सिलेबस में से, ओरिजिनल सिलेबस में से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट को रिड्यूस किया है वो देखेंगे। तो दिस इज द प्रैक्टिकल नोटबुक, द वेरी ब्यूटीफुल यू कैन सी कवर, फ्रंट कवर आपको दिख रहा है। ओके तो यू विल बी राइटिंग ऑल द कैन सी एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स इन दिस नोटबुक दिस ईयर। सो 2 टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट विल बी कंडक्टेड जस्ट लाइक लास्ट ईयर। तो पहला है ए टाइप एक्सपेरिमेंट जिसको कोर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यहाँ पे यू कैन सी डूइंग एस्पेक्ट होता है, एक्चुअल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। जब आप यू कैन सी वर्किंग यू कैन सी करते हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, टेस्टिंग्स हो गया, यू कैन सी डिसेक्शंस हो गया। तो टोटल 15 एक्सपेरिमेंट्स आर देयर इन द कोर एक्सपेरिमेंट। और फिर डेमोन्स्ट्रेशन, सेकेंड टाइप ऑफ यू कैन सी बी टाइप का एक्सपेरिमेंट है, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट जिसको हम लोग स्पॉटिंग से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, स्पॉटिंग्स। ओके, आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं उसको। तो 14 यू कैन सी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट है। तो टोटल एक्सपेरिमेंट जो आप सिलेबस में है, ओरिजिनल सिलेबस में है, वो 29 है। बट दिस ईयर बिकॉज ऑफ कोविड तो टोटल रिड्यूस्ड एक्सपेरिमेंट जो है वो है 11। तो 11 एक्सपेरिमेंट को क्या है, कम कर दिया है only for this year out of 29, which is almost 40% you can see deletion. यानी कि this year out of the entire you can see syllabus of practical खाली 60% experiments will be conducted and उसी पे you can see आपका examination होगा, practical examination होगा। तो you can see lot of stress you can see will be reduced because of that. तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग you can see लिस्ट देख लेते हैं कोर एक्सपेरिमेंट में कौन कौन एक्चुअली प्रैक्टिकल्स करने हैं और उसमें से कौन से आपको इस साल करना है और कौन से नहीं करने हैं वो देखेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट है स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस बाय पोटैटो ऑस्मोस्कोप। तो वेरी कैन सी एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है ऑस्मोसिस स्टडी करने का। दूसरा एक्सपेरिमेंट है प्लाज्मोलाइसिस स्टडी करने का, एपिडर्मल पील। तो यू कैन सी लीफ या कैन सी प्लांट का जो टिश्यू है सॉफ्ट टिश्यू के एपिडर्मिस से हम लोग प्लाज्मोलाइसिस स्टडी करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना ऑफ द प्लांट सेल। Then third experiment is study of structure and distribution of stomata on upper and lower leaf surface। तो पत्ते के upper और lower leaf surface पे stomata होते हैं, तो उनका structure और distribution आपको study करना है। Okay, then fourth is pollen germination on slide, you can see ये तैयार करना है। This is the fourth experiment। Then fifth experiment is the study of soil samples, two different locations के soil samples को उनका texture और pH आपको you can see चेक करना है। एंड देन स्टडी ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर इन एयर, तो दो डिफरेंट लोकेशंस के एयर सैम्पल्स के सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर्स को डिटेक्ट करना है। दैन वाटर सैम्पल, वो भी दो अलग अलग लोकेलिटी के टेस्ट करना है फॉर क्लैरिटी, पीएच एंड माइक्रोब्स। दैन पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी प्लांट का क्वाड्रेट, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेट मेथड से यू कैन सी फाइंड करना है। दैन आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द गिवन सैम्पल। ओके, तो वेरी यूनिक एक्सपेरिमेंट, डीएनए को स्टडी करना का एक अच्छा यू कैन सी चांस है। दैन डिसेक्ट और डिस्प्ले करना है फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स जैसे वॉल्स, फिर टीएस और वीएस यानी कि कट सेक्शन, एंथर को कट करना है टू सी द पोलन्स एंड ओवरी को कट करना है टू सी द ओब्यूल्स। दैन विंग शेप एंड आई कलर, ड्रोसोफिला विच इज़ द फ्रूट फ्लाई, यू कैन सी क्रोमोजोम्स के स्टडी में ड्रोसोफिला ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल यू कैन सी अदा किया है, तो उसको स्टडी करना है। देन टू एग्जामिन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बार बॉडी, तो बार बॉडी इज द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। ओके, वो गिवन सैंपल जो है उसमें से डिटेक्ट करना है कि है या नहीं है। दैन डिटेक्शन ऑफ कॉमनली यूज एडल्ट्रेंट इन यू कैन सी फूड सब्सटेंसेस लाइक मिल्क, और साथ में यू कैन सी स्टार्च का डिटेक्शन मिल्क में विच इज़ वन ऑफ द कॉमन एडल्ट्रेंट, मतलब मिलावट जो बोलते हैं, भेसल कहते हैं जिसे। एंड 15th the last experiment in the core category, अलग अलग सिंड्रोम्स और कैरोटाइप्स ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हमको स्टडी करना है। तो आउट ऑफ दिस 15 you can see experiments, तो वी हैव टू कंडक्ट ओनली 6 एक्सपेरिमेंट को, तो खाली 6 एक्सपेरिमेंट इनमें से हमें कंडक्ट करना है इस साल के लिए। आपको खाली 6 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। ओके, तो उसमें पहला है ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट, देन यू कैन सी डायरेक्टली फिर सॉइल सैंपल टेस्टिंग का एक्सपेरिमेंट है, फिर वाटर सैंपल एक्सपेरिमेंट नंबर 7 आपको करना है। देन पॉपुलेशन डेंसिटी यू कैन सी फाइंड करने वाला एक्सपेरिमेंट इजी है। देन डीएनए आइसोलेशन का एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 9। दैन डिस्प्ले ऑफ द फ्लोरल वॉल आपको यू कैन सी करना है इस साल। दैन यू कैन सी बाकी एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, तो बाकी एक्सपेरिमेंट क्या है इस साल के लिए डिलीट किए गए हैं। ओके, so out of 15 core experiments 6 experiment have to be conducted and the remaining experiments जो है जिसको कट कर दिया गया है इस साल आपको नहीं करना है। तो ये हो गया core experiment की बात। अब next जो है category का experiments वो है demonstration experiment part B, जिसको spotting भी कहते हैं या identification भी कहते हैं। तो total 14 spots विल बी यू कैन सी स्टडी करना है आपको, उनको आइडेंटिफाई करना है, यू कैन सी इसका डिस्क्रिप्शन अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो उसमें पहला है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन यूजिंग 4 लीफ एक्सपेरिमेंट, तो ट्रांसपिरेशन को स्टडी करने का एक स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंट है ये। दैन सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, बहुत ही यू कैन सी व्हाट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। कॉन्वा में यू कैन सी प्लांट के पास 4 स्टैंडर्ड यू कैन सी व्हाट कलर पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक, उनको सेपरेट करना यू कैन सी आपको देखना है। ओके, किस तरह सेपरेट किया जाता है। देन थर्ड इज स्टडी ऑफ इम्बिबिशन बाय यूजिंग ड्राई सीड और रेजिन, इम्बिबिशन प्रोसेस को आपको स्टडी करना है। देन फ्लावर एडाप्टेशन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एंड विंड, यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन के लिए फ्लावर में कौन कौन से एडाप्टेशन है इसको स्टडी करना है। देन एनाट्रोपस ओव्यूल और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के स्ट्रक्चर को आपको स्टडी करना है यूजिंग चार्ट और स्लाइड। दैन टीएस ऑफ टेस्टिस, ओवरी और ब्लास्टुला का कट सेक्शन यू कैन सी हमें एनाटॉमी जिसे कहते हैं उसको परमानेंट स्लाइड के जरिए यू कैन सी स्टडी करना है। दैन स्टडी ऑफ स्टेजेस ऑफ मियोसिस, ओके, विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जैसे गैमेट्स बनते हैं वो आपको ऑनियन फ्लावर के बर्ड का स्लाइस लेके उसके परमानेंट स्लाइड्स को आपको स्टडी करना है अलग अलग स्टेजेस। दैन प्लांट्स जो जीरोफाइटिक कंडीशन, डेजर्ट कंडीशन, एक्वाटिक इन्वायरमेंट पे रहते हैं, उनके एडेप्टेशंस को स्टडी करना है। नाइन्थ इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जो प्लांट ब्रीडिंग का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें बैगिंग, टैगिंग और इमैस्कुलेशन आपको स्टडी करना है। फिर पेडिग्री चार्ट जो इनहेरिटेंस को स्टडी करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसमें रोलिंग ऑफ टंग, विडोज पीक, कलर ब्लाइंडनेस और ब्लड ग्रुप को आपको स्टडी करना है। देन यू कैन सी एनिमल, जिस तरह प्लांट का हमने यू कैन सी एडाप्टेशन यू कैन सी स्टडी किया, उसे एनिमल के एडाप्टेशन विद रिस्पेक्ट टू डेजर्ट, जेरिक एंड एक्वाटिक कंडीशंस को स्टडी करना है विद एग्जाम्पल्स। फिर कॉमन पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग यू कैन सी माइक्रोब्स लाइक प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का एजेंट है, एंटीमीबा जिससे अमीबियासिस होता है, एस्कैरिस जिससे एस्कैरियासिस होता है, रिंग वर्म, इसको स्टडी करना है, आइडेंटिफाई करना है, उनके फीचर्स देखने हैं। फिर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई, ईयर एंड ब्रेन विद हेल्प ऑफ मॉडल और चार्ट, इसको आपको यू कैन सी स्टडी करना है। और फिर लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो ब्लड स्मीयर के स्लाइड को यू कैन सी ऑब्जर्व करके उसके ब्लड सेल्स को क्या है आइडेंटिफाई करना है। तो दीज आर द डेमोन्स। चलिए अब देखते हैं कि आउट ऑफ दिस 14 यू कैन सी एक्सपेरिमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन या स्पॉटिंग, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं या आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके एग्जामिनेशन में रहेगा और कौन से नहीं। ओके, सो आउट ऑफ 14, 12 एक्सपेरिमेंट को वैसे का वैसा ही रखा गया है, स्पॉटिंग में ज़्यादा डिलीशन नहीं हुआ है। सो यू कैन सी दीज आर द यू कैन सी 12 एक्सपेरिमेंट्स या स्पॉटिंग जिसको आपको स्टडी करना है। ओनली 2 यू कैन सी एक्सपेरिमेंट हैज़ बीन रिमूव्ड, तो उसमें है इम्बिबिशन वाला एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, और लास्ट यू कैन सी 14th एक्सपेरिमेंट दैट इज ब्लड स्मीयर के आइडेंटिफिकेशन का यू कैन सी एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों छोड़ के बाकी सारे यू कैन सी एक्सपेरिमेंट्स आपको करना है, क्योंकि स्पॉटिंग में ज़्यादा डिलीशन इसके लिए नहीं किया गया है बिकॉज स्पॉटिंग में आपको कोई वर्किंग नहीं करना है, आपको खाली गिवन स्पेसिमेन जो अभी फोटोग्राफ के रूप में या चार्ट के रूप में या मॉडल के रूप में आपके सामने रखा जाएगा। ओके, आपको उसको हैंडल भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सेफली वी कैन आइडेंटिफाई एंड राइट द नेसेसरी व्हाट डिटेल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं यू कैन सी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंज हुआ है या रिवीजन हुआ है। तो सबसे पहले नोटिस जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिला है, तो ये है आपका रिवाइज्ड स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इसको हम लोग डिटेल में यू कैन सी अभी स्टडी करेंगे। और ये है नोटिस अबाउट द लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसको इस साल कंडक्ट करना है, जिसके बारे में अभी यू कैन सी मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया, लेकिन अभी क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से भी हम लोग यू कैन से हर क्वेश्चन में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है ओके उसको भी देखेंगे। तो चलिए, तो स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो फरवरी मार्च 2020-21 के लिए डिज़ाइन किया गया है, उसके की हाइलाइट्स देखते हैं। ओके, तो की हाइलाइट्स है कि स्कीम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड पेपर पैटर्न को रिवाइज किया गया है। तो 11 आउट ऑफ 29 एक्सपेरिमेंट को रिड्यूस किया, 40% ऑलमोस्ट रिड्यूस हुआ है। तो 60% प्रैक्टिकल्स जो एक्सपेरिमेंट है विल बी कंडक्टेड ओके आउट ऑफ द टोटल, और एक्सपेरिमेंट टू बी कंडक्टेड कीपिंग फिजिकल डिस्टेंस एंड अदर यू कैन सी प्रिकॉशंस एज यू कैन सी गिवन बाय द गवर्नमेंट। द डिसेक्शन एक्सपेरिमेंट एंड यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप को अवॉइड किया गया है ओके तो माइक्रोस्कोप यूज़ नहीं करना है। और प्रैक्टिकल एवोल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, जो होगा वो इंटरनल एग्जामिनर यानी कि आपके कॉलेज के जो यू कैन सी प्रोफेसर्स हैं या लेक्चरर्स हैं वही प्रैक्टिकल एवोल्यूशन करेंगे या चेकिंग करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन पैटर्न को देख लेते हैं। बेसिक यू कैन सी फॉर्मेट क्वेश्चन पेपर का कैसा रहेगा प्रैक्टिकल का, तो 7 क्वेश्चंस आर देयर। तो 3 आवर्स विल बी गिवन फॉर कंप्लीशन ऑफ द इंटायर यू कैन सी एक्सपेरिमेंट्स ओके ऑल द 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 3 आवर्स है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो टोटल मार्क्स इज 30। तो अब देखते हैं लिस्ट यू कैन सी कौन से क्वेश्चन है ओके किस टाइप का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में एक्चुअली आपको क्या करना है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है मेजर एक्सपेरिमेंट जो 4 मार्क्स के लिए आएगा। क्वेश्चन 2 माइनर एक्सपेरिमेंट है 3 मार्क्स के लिए। फिर एक और माइनर एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है स्पॉटिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन सी मार्क्स गेनिंग वैकेंसी क्वेश्चन है, जो 10 वैकेंसी स्पॉट्स रहेंगे, हर स्पॉट्स का 1 मार्क्स, तो टोटल 10 मार्क्स यू कैन एक्चुअली अर्न। क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपको छोटा सा एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, डिटेल अभी बताएंगे आपको। एंड क्वेश्चन नंबर 6 विल बी द ओरल क्वेश्चन, तो पहले 3 एक्सपेरिमेंट जो कोर एक्सपेरिमेंट है जो आप परफॉर्म करोगे उसके बेसिस पे आपको वैकेंसी ओरल पूछा जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन 7 लास्ट है, जो प्रैक्टिकल नोटबुक है या जर्नल है वो सर्टिफाइड और कंप्लीटेड अगर रहेगा तो यू विल गेट 3 मार्क्स। तो इस तरह टोटल 30 मार्क्स वैकेंसी यू कैन अर्न वेरी इजीली। ओके, दिस ईयर तो नेचुरली 30 मार्क्स आपके पॉकेट में होने चाहिए। ओके चलिए अभी एक एक करके हर क्वेश्चंस में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इंक्लूड किए गए हैं। ओके तो वो भी फिक्स है, स्टैंडर्ड है, हर क्वेश्चंस में फिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस, उसमें भी ऑप्शंस रहेगा आपको। ओके सो तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द मेजर एक्सपेरिमेंट, तो उसमें 2 ऑप्शन है, तो आइदर यू विल गेट द एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको डिसेट और डिस्प्ले करना है फ्लोरल वर्ल्स ऑफ द गिवन फ्लावर, लेकिन माइक्रोस्कोप इस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इस साल ओव्यूल का सेक्शनिंग जैसे टीएस एंथर का सेक्शनिंग नहीं करना है। ओके फिर माउंटिंग ऑफ द पोलन ग्रेन अंडर माइक्रोस्कोप नहीं करना है, तो माइक्रोस्कोप जो है यूज़ नहीं करना है, तो बिना माइक्रोस्कोप के ही आपको क्या है फ्लावर के सारे पार्ट्स को ओके ईजिली रिमूव करके पेपर पे डिस्प्ले करना है, तो नो डिस यू कैन से एक्चुअली माइक्रोस्कोप यूज़ करना है इसमें, या इसकी जगह पे आपको आ सकता है दूसरा क्वेश्चन आइसोलेशन ऑफ यू कैन सी डीएनए फ्रॉम द गिवन बायोलॉजिकल सैंपल, तो या तो फ्लावर का डिसेक्शन आएगा या तो आपको डीएनए का आइसोलेशन करना है, तो दोनों में से कोई एक आएगा। ओके अकॉर्डिंग टू द बैच। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज द माइनर एक्सपेरिमेंट फॉर 3 मार्क्स, तो इसमें भी आपके 2 ऑप्शंस हैं, तो पहला है कि आपको पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड करना है बाय क्वाड्रेट मेथड, वेरी सिंपल यू कैन सी एक्सपेरिमेंट, या पोटैटो ऑस्मोस्कोप यूज़ करके ऑस्मोसिस को डेमोन्स्ट्रेशन करना है। ओके तो वेरी इजी। देन क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से एक माइनर एक्सपेरिमेंट है 3 मार्क्स के लिए, इसमें भी ऑप्शन है, तो सॉइल सैंपल्स आपको दिया जाएगा 2, तो उसका यू कैन सी नेचर आपको फाइंड करना है ओके अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, या वाटर सैंपल दिया जाएगा जिसका पीएच आपको एनालिसिस करके कंपेयर करना है, तो सॉइल सैंपल को आपको कंपेयर करना है और वाटर सैंपल को आपको कंपेयर करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, स्पॉटिंग है वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मार्क्स यू कैन सी स्पॉटिंग के लिए दिया है। ओके और स्पॉटिंग 10 रहेंगे जो 1 मार्क्स का रहेगा, हर स्पॉट 1 मार्क्स के लिए रहेगा, तो टोटल 10 मार्क्स आपको मिलेगा, तो उसमें से पहले 5 स्पॉट जो है वो बॉटनी से रिलेटेड है, ABCDE, और लास्ट के 5 स्पॉट FGHIJ ये ज़ूलॉजी से यू कैन सी रिलेटेड है, तो आपको 1 मार्क्स कैसे मिलेगा, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन स्पॉट को अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन जो आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम इंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो 1/2 मार्क्स फॉर करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और 1/2 मार्क्स फॉर करेक्ट डिस्क्रिप्शन एज पर द यू कैन सी टाइप ऑफ स्पॉट। ओके तो जो इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा उसके हिसाब से आपको 1/2 मार्क्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, 1/2 मार्क्स डिस्क्रिप्शन के लिए मिलेगा। और इन मेनी स्पॉट्स स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम लोग स्पॉट्स को देखेंगे तो मेनी स्पॉट्स के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। ओके लेकिन यानी कि स्लाइड यू कैन सी आपको स्टडी करना है, बट दिस ईयर यू कैन सी द स्लाइड या माइक्रोस्कोप के अंदर कोई भी स्पेसिमेन आपको दिया नहीं जाएगा, तो या तो मॉडल नहीं तो स्पेसिमेन, मतलब अगर वो बड़ा साइज का है ओके तभी फोटोग्राफ, डायग्राम या चार्ट यू कैन सी ये रखा जाएगा टू आइडेंटिफाई द स्पॉट। ओके तो माइक्रोस्कोप विल नॉट बी यू कैन सी केप्ट फॉर स्पॉटिंग, तो माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है स्पॉटिंग नहीं किया जाएगा। ओके इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन सी मॉडल, फोटोग्राफ या डायग्राम जो है वो स्पॉट का आपके सामने आपके टेबल पे रखा जाएगा, तो वो आपको फोटो या स्पेसिमेन डायरेक्ट अगर स्पेसिमेन बड़ा है यू कैन सी तब वो डायरेक्टली रखा जाएगा, नहीं तो माइक्रोस्कोपी के स्पेसिमेंस आपको नहीं यू कैन सी है इस बार। तो चलिए अभी हर स्पॉट को यू कैन सी डिटेल में थोड़ा देखते हैं। स्पॉट ए 1 मार्क्स के लिए है, स्पॉट ए में रह गए 2 एक्सपेरिमेंट में से कोई एक है फ्लोरल अडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। ओके तो इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए टिपिकल फ्लावर आपको दिया जाएगा, आपको उसके अडेप्टेशंस लिखने हैं, या फ्लोरल अडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन बाय विंड, तो एक फ्लावर का सैंपल रखेंगे जो विंड से पॉलिनेट होता है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखने हैं। ओके, तो वेरी सिंपल। और इसके लिए फोटोग्राफ या डायग्राम ऑफ दैट फ्लावर विल बी केप्ट। देन स्पॉट बी 1 मार्क्स के लिए है, तो इसमें आपको यू कैन सी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस को आइडेंटिफाई करना है। तो कोई एक स्टेज जो है आपको दिया जाएगा, ओके, तो उसी को आइडेंटिफाई करके उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो यहाँ पे एक्चुअल स्टैंडर्ड तरीके में नेचुरली माइक्रोस्कोप में माइटोसिस मियोसिस के स्लाइड्स चेक किया जाता है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ नहीं तो डायग्राम विल बी प्लेस्ड, तो मेकिंग द थिंग्स मोर ईजियर एंड मोर सेफ ऑल्सो। तो सेफ्टी इज़ द फर्स्ट कंसर्न, सबसे प्राइम कंसर्न। एंड स्पॉट सी 1 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो 3 टेक्निक में से कोई एक टेक्निक एकेंसी आपके सामने रखा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। तो दैट इज़ बैगिंग, टैगिंग और इमैस्क्यूलेशन। तो दीज आर द एकेंसी हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे भी या तो स्पेसिमन या तो फोटोग्राफ नहीं तो डायग्राम रखा जाएगा। ओके, देन स्पॉट डी 1 मार्क्स के लिए है, तो यहाँ पे जीरोफाइटिक इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स रहते हैं उनके अडेप्टेशंस को आपको यू कैन सी आइडेंटिफाई करना है। तो जेरिक इन्वायरमेंट हो गया डेजर्ट, जैसे अपोनशिया एंड कैलोट्रोपिस, उसमें से कोई एक आएगा। या दूसरा ऑप्शन जो है उसमें है प्लांट फ्रॉम एक्वाटिक इन्वायरमेंट। ओके, तो पानी में रहने वाले प्लांट्स का स्पेसिमेन रहेगा, या तो हाइड्रिला नहीं तो इकॉर्निया। तो यहाँ पे भी या तो स्पेसिमेन या तो फोटोग्राफ नहीं तो डायग्राम यू कैन सी विल बी केप्ट। फिर स्पॉट ई 1 मार्क्स, तो यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी का सेटअप रखा जाएगा, या तो डायग्राम रखा जाएगा। ओके, या तो ट्रांसपिरेशन ऑफ यू कैन सी रेट, ट्रांसपिरेशन रेट को स्टडी करने के लिए 4 लीफ एक्सपेरिमेंट का यू कैन सी व्हाट सेटअप रखा जाएगा, नहीं तो फोटोग्राफ या डायग्राम रखा जाएगा। तो इट विल बी यू कैन सी ईजियर फॉर यू। ओके, देन स्पॉट एफ 1 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे ओव्यूल, एनोट्रोपस ओव्यूल या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल you can see will be kept। और यहाँ पे naturally ovule generally are studied under the microscope। तो यहाँ पे microscope की जगह पे photograph और diagram will be kept for you। Then spot G, तो common diseases causing organisms pathogens, तो ज़्यादा करके pathogens जो microscopic होते हैं उसके लिए भी microscope चाहिए। तो यहाँ पे microscope नहीं रखा जाएगा, तो plasmodium, ascaris, antiamoeba, ringworm। ओके, इसके photograph या diagram को place किया जाएगा, तो आपको easily identify कर सकते हैं आप। देन स्पॉट एच में ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, 1 या 2 डिपेंडिंग अपॉन द एकेंसी व्हाट पैटर्न। तो इसके लिए भी ब्रेन का या तो मॉडल नहीं तो फोटोग्राफ या डायग्राम रख के जिस पार्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है उसको पॉइंटर से एकेंसी प्लेस किया जाएगा। और लास्ट स्पॉट आई, तो यहाँ पे पेडिग्री चार्ट जो है, सॉरी ये दिस इज सेकेंड लास्ट, सॉरी, जिसमें पेडिग्री चार्ट रहेगा, रोलिंग ऑफ टंग, विडोज पीक, ब्लड ग्रुप का चार्ट और कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट, इसमें से कोई एक चार्ट आपके लिए रहेगा। या इसका दूसरा ऑप्शन है टीएस ऑफ टेस्टिस, ओवरी या ब्लास्टूला का एक्चुअली स्लाइड होना चाहिए, लेकिन इंस्टेड ऑफ स्लाइड द फोटोग्राफ और डायग्राम ऑफ द एकेंसी स्पेसिमेन विल बी केप्ट। तो इन नो एकेंसी व्हाट स्पॉटिंग द माइक्रोस्कोप और स्लाइड एकेंसी एक्चुअल स्लाइड विल बी केप्ट। तो उसकी जगह पे फोटोग्राफ, पिक्चर नहीं तो मॉडल रखा जाएगा। ओके, तो फिर से वो सेफ्टी के लिए। और लास्ट स्पॉट है जे स्पॉट, जिसमें एनिमल्स फ्रॉम द डेजर्ट इन्वायरमेंट लाइक कैमल, कंगारू, रैट या द एनिमल्स फ्रॉम एक्वाटिक इन्वायरमेंट, उसके एडेप्टेशंस को आपको यू कैन सी डिस्क्राइब करना है, डॉल्फिन, रोहू। इनमें से कोई भी एक यू कैन सी स्पॉट विल बी केप्ट अकॉर्डिंग टू योर बैच। तो बैच के हिसाब से स्पॉट विल बी चेंज्ड। और यहाँ पे भी स्पेसिमेन, फोटोग्राफ नहीं तो डायग्राम जो भी सूटेबल रहेगा इट विल बी केप्ट। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें आपको यू कैन से सिंपल प्रोजेक्ट तैयार करना है अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। तो सब्जेक्ट टीचर आपको सूटेबल प्रोजेक्ट देंगे और इस प्रोजेक्ट का रिपोर्ट जो है आपको, कंटेंट जो है आपको बना के सूटेबल फॉर्मेट में विच विल बी एक्सप्लेन टू यू 4 to 6 पेजेस में आपको लिखना है। वेरी शॉर्ट प्रोजेक्ट, प्रॉपरली हैंड रिटन आपको लिखता है, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ हैंड राइटिंग। ओके, आपको सबमिट करना है एंड इट विल गिव यू You can see 5 marks। ओके, 5 marks आपको खाली 4 से 6 पेजेस लिखने के लिए मिल जाएगा। ओके, इट्स वेरी इजी। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है ओरल। तो ओरल जो है इट विल बी बेस्ड ऑन फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट जो आप कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, तो पहले 3 क्वेश्चन जिसमें एक मेजर और 2 माइनर एक्सपेरिमेंट्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ओके बाय द एग्जामिनर। और लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी, आप जो पूरे साल जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका जो रिकॉर्ड बुक है, जिसको जर्नल कहते हैं, प्रैक्टिकल नोटबुक कहते हैं, ओके, तो वो कंप्लीट रहना चाहिए। ओके, तो बायोलॉजी जर्नल शुड बी कंप्लीट विद ऑल एक्सपेरिमेंट डिटेल, साइन होना चाहिए इंटरनल एक्सटर्नल बाय द इंचार्ज बायोलॉजी टीचर आपके, तो आपको कंप्लीट करना है। और साथ में कॉलेज और इंस्टीट्यूट का स्टैंप, ड्यूली स्टैंप रहना चाहिए, तभी आपको फुल 3 मार्क्स यू विल गेन। सो दिस इज द वैकेंसी इन शॉर्ट। वैकेंसी हमने सारे एक्सपेरिमेंट्स ओके और क्वेश्चंस को देख लिया है, कौन कौन सा कंटेंट है, बेसिक 3 हमने देख लिया है। इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल एक्सप्लेन वैकेंसी, एक्चुअली हर एक्सपेरिमेंट करना कैसे है उसका डेमोन्स्ट्रेशन वैकेंसी मैं आपको वैकेंसी वीडियो के थ्रू ज़रूर वैकेंसी दूंगा कि कौन से स्पॉट में आपको क्या लिखना है, कितना कंटेंट लिखना है। तो दैट वीडियो ऑल्सो विल बी वैकेंसी प्रिपेयर्ड एंड वैकेंसी आपके लिए मैं तैयार करूँगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट में कि इवैल्यूएशन पार्ट में क्या चेंज किया गया है। ओके, तो बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है जनरली फरवरी मार्च 2021 में शेड्यूल्ड है। ओके, तो टारगेट यही है कि इसी दौरान प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंप्लीट हो। तो इवैल्यूएशन जो होगा वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होगा, जो कॉलेज है आपका वहाँ पे ही नेचुरली कंडक्ट किया जाएगा। और तो सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस जो है जो कोविड-19 से रिलेटेड है विल बी टेकन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड अदर वैकेंसी जो जिसको आपको फॉलो करना है। तो इट विल बी गिवन टू यू एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग द रेगुलर प्रैक्टिकल वैकेंसी जब कंडक्ट होगा। और आंसर पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आंसर पेपर्स जो आपके रहेंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के, वो इंटरनल एग्जामिनर ही इवेलुएट करने वाले हैं। ओके, और जो भी चेंजेस बीच में अगर आएंगे तो वो गवर्नमेंट डायरेक्टिव के हिसाब से नेचुरली फॉलो होगा। ओके, तो इसका सिंपल एक मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, देयर विल बी नो एक्सटर्नल एग्जामिनर फॉर एटलीस्ट दिस ईयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो ओके, तो आपके लिए वैकेंसी खाली एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनर जो है वो पूरे एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे, पूरे एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर इस साल, एक्सटर्नल एग्जामिनर इस साल एक्चुअली आपके प्रैक्टिकल को इवैल्यूएट नहीं करेंगे। बट लास्ट में वैकेंसी जाते जाते वैकेंसी जो प्रिकॉशंस आपको लेना है ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ द प्रैक्टिकल और एग्जामिनेशन, उसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस, इंटरेक्शन कम करना है। ओके, तो मिनिमम शेयरिंग ऑफ मटेरियल, अपना ही सारा मटेरियल उसको सैनिटाइज करके आपको यूज़ करना है, एक दूसरे के मटेरियल्स को शेयर नहीं करना है, दैट केयर हैज़ टू बी टेकन। दैन कोई भी वैकेंसी रिएजेंट जो है माउथ से बिल्कुल पिपेट नहीं करेंगे, ड्रॉपर या डायरेक्ट वैकेंसी ट्रांसफ़र आपको करना है, वो केयर करना है। स्पेशली केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में भी अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो जिसमें आप कोई केमिकल यूज़ कर रहे हो तो उसको पिपेट से यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं तो ड्रॉपर यूज़ करना है। और फिर माइक्रोस्कोप का यूज़ अवॉइड करना है, डिसेक्शंस विल बी नॉट केप्ट फॉर दिस ईयर एटलीस्ट। और फिर स्पॉटिंग के लिए पिक्चर, चार्ट, मॉडल वैकेंसी ओके विल बी केप्ट। ओके, तो स्लाइड्स जो है जितने भी एक्सपेरिमेंट जिसमें स्लाइड्स वगैरह है तो वो सब बिल्कुल इस साल के एक्सपेरिमेंट्स में नहीं आपको दिखाया जाएगा। ओके, तो पिक्चर, चार्ट और मॉडल से आपको इस बार स्टडी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वॉट एवर गाइडलाइन विल बी गिवन बाय गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, उसको हमें फॉलो करना है। तो इफ़ ऑल दिस थिंग्स विल बी वैकेंसी टेकन केयर, और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल गो वेरी स्मूथली और नेचुरली। तो अल्टीमेटली इट इज़ कंक्लूडेड दैट अभी आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस लॉट्स ऑफ स्ट्रेस, एकेडमिक स्ट्रेस रिड्यूस किया है, थियरी जो है उसके सिलेबस को रिड्यूस किया है, साथ में प्रैक्टिकल को भी वैकेंसी एकदम सिंपल कर दिया है। तो आपके पास वैकेंसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस बोर्ड एग्जामिनेशन में, अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में यू कैन एक्चुअली व्हाट स्कोर द मैक्सिमम। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड टेक केयर एंड लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल सोद। एंड कमेंट में लिखिए किस टाइप के वीडियोस रिक्वायर सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आई विल बी प्रिपेयरिंग दैट एंड पोस्टिंग ऑन माय चैनल। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, गुड डे, थैंक्स।